आप सभी ने जंगल के राजा सिंह के बारे में जरूर सुना होगा। इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको जरूर देख सकते हो। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। आज हम आपको फेलिडाए कुल के एक ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जो लायन से काफी मिलता जुलता है, पर वास्तव में वो बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे कुगर या पुमा की, जिसको माउंटेन लायन के नाम से भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस दुर्लभ जीव के बारे में जानना जरूर पसंद आएगा। फेलिडाए कुल का ये जानवर बेहद ही खतरनाक शिकारी है, जो कनाडा के यूकॉन से लेकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत की श्रृंखलाओं तक पाया जाता है। यह ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता है और रात को ही शिकार करता है। यह लंबी छलांग लगाने के लिए काफी प्रख्यात है। कुगर को 40 से भी ज्यादा नामों से जाना जाता है। उनमें से माउंटेन लायन, पुमा और पैंथर सबसे ज्यादा लिए जाने वाला नाम है। यह अपने शिकार में हिरण, घोड़े, भेड़ और अन्य छोटे जीवों को शामिल करता है। मनुष्य के अलावा कोई भी जंगली जानवर कुगर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट और लंबाई 9 फीट तक होती है। वहीं इसका वजन करीब 90 किलोग्राम होता है। माउंटेन लायन की गिनती बिल्ली परिवार के सबसे भारी जानवर में चौथे नंबर पर आती है। इससे पहले बाघ, शेर और जगुआर का नंबर आता है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि यह दुनिया भर में अपनी लंबी छलांग के लिए जाने जाते हैं। यह खड़े खड़े ही 18 फीट और दौड़कर 40 फीट की लंबी छलांग लगा सकते हैं। यह हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है, सिर्फ सहवास के लिए मादा के पास आता है। मादा कुगर 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है, उनमें से केवल एक ही वयस्क होने तक जीवित बचता है। जन्म से लेकर 6 महीने तक यह बिल्कुल ही बिल्ली की तरह दिखते हैं, जिस पर बिल्ली की तरह काले धब्बे होते हैं। बाद में वो अपने आप ही चले जाते हैं। इसकी सूंघने की क्षमता बहुत ही कम होती है, पर यह रात को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसीलिए यह ज्यादातर रात को ही शिकार के लिए निकलता है। पहाड़ी शेर की एक आदत कुत्तों से काफी मिलती है कि जब भी यह शिकार को मार कर खाता है, तब जितना भी हिस्सा बच जाता है उनको किसी कोने में पत्तियों की मदद से छिपा देता है, ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी एक बात जो इसको बाघ और शेर से काफी अलग करती है वो यह है कि माउंटेन लायन दहाड़ नहीं सकता है, बल्कि बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं करता है। यह कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करता है, पर यदि कोई इंसान इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो उस पर जरूर हमला करता है। माउंटेन लायन 240 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में रहते हैं, इसी वजह से उनकी एक्यूरेट गणना मुश्किल है। फिर भी जूलॉजिस्ट के अनुमान के आधार पर उनकी संख्या करीब 50,000 के आसपास है, ऐसा माना जाता है। जंगल में उसकी औसतन आयु 10 साल है, जबकि चिड़ियाघर में यह 20 साल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। यदि आपको एनिमल से जुड़ी जानकारी पसंद है तो आप हमारे चैनल पर मौजूद एनिमल्स की वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।